गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, मैं शशांक आप सभी का वेलकम करता हूं एक बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो में। जैसा कि आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डेज प्लस मेंबर के लिए इस रात से ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने एक एक फोन की स्टडी करके यहां मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि भाई एग्जांपल ये है कि अगर 64 GB का ये ऑफर में है तो क्या 128 पे कितना ऑफर रहेगा, क्या डेबिट कार्ड पे ऑफर रहेगा या क्रेडिट कार्ड पे ऑफर रहेगा। इन सभी इंफॉर्मेशन के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। तो भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा सबसे ज्यादा लोगों ने ये बात पूछी थी कि भाई पोको X3 या कोई भी मोबाइल का 64 वेरिएंट तो हमें दिख रहा है डिस्काउंट पे, लेकिन बाकी का क्या। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। रही बात पहले मोबाइल की, पोको X3, इसका सिंपल है 64 GB का वेरियंट 14,999 का मिलेगा। और रही बात अगर 128 GB लेना चाहते हैं तो 15,999 का मिलेगा। और एक क्वेश्चन का जवाब मैं दे देता हूं, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आपको जान के बहुत दुख होगा, HDFC का खाली 500 आपको डेबिट कार्ड पे डिस्काउंट मिलेगा और क्रेडिट कार्ड पे भी 1000 खाली मिल रहा है, 1000, नॉट मोर देन दैट। नेक्स्ट मोबाइल है सैमसंग का F41, बहुत लोगों ने पूछा था, इसका प्राइसिंग आपको मिलेगा 14,999। अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो प्रीपेड पेमेंट पे 1000 और डिस्काउंट और प्लस 1000 HDFC के कार्ड पे डिस्काउंट और HDFC के डेबिट कार्ड पे खाली 500 का डिस्काउंट, तो ये आपको दिख रहा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसका 6 GB रैम वाला वेरियंट जो है वो 15,999, प्रीपेड पे 1000 कम हो जाएगा तो 14,999 हो जाएगा, और अगर आप क्रेडिट कार्ड लगा देते तो 1000 और कम हो जाएगा। तो ये रही F41 की बात। सो नेक्स्ट मोबाइल के बारे में अगर हम बात करें, पोको M2 प्रो के बारे में बात करें तो स्टार्टिंग इसकी 11,999 से होगी। और रही बात अगर आप ध्यान से देखें, 4GB वाला स्टार्टिंग है, 6GB वाला इसका प्राइसिंग 12,999 है। तो ये सब चीजें आपके सामने रहेंगी, इस पे आपको HDFC के क्रेडिट कार्ड पे 1000 और HDFC के डेबिट कार्ड पे 500 रुपया ऑफ मिलेगा, जो कि अगेन एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है। आगे बढ़ते हैं, मोटो G5G आप सभी जानते हैं, ये आपको 18,999 का मिलेगा, और अगर आप वही कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये 17,999 में मिल जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल के बारे में मैं आपको बता दूं, पोको M2 9,999 का आपको मिलेगा, और अगर आप कार्ड इस पे लगाते थे तो 900 का डिस्काउंट और आपको ये मिल जाएगा 9,000 में HDFC के क्रेडिट कार्ड के साथ। नेक्स्ट बढ़ते हैं सैमसंग का फ्लैगशिप मोबाइल, जो कि आप सभी जानते हैं अच्छे प्राइस में आया हुआ है, वो है S20 Plus। S20 Plus की जो प्राइसिंग है 44,999 है, और अगर आप HDFC का कार्ड लगा देते हैं मतलब क्रेडिट कार्ड, तो आपको ये 43,999 का पड़ेगा। नेक्स्ट मोबाइल की अगर हम बात करें तो पोको X2 का 64 GB का वेरिएंट 14,999 का है, और 128 GB का वेरिएंट 15,999 का, एग्जैक्टली X3 का प्राइस X2 में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पोको X3 के लिए जाइए, लेकिन देखिए अगर आप X2 ही चाहते हैं तो गुड लक। नेक्स्ट मोबाइल जो है वो माइक्रोमैक्स का InNote 1 है, जो कि आपको 10,999 से स्टार्ट होगा। और रही बात अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट लेना चाहेंगे तो 12,999 का आपको पड़ेगा, सिंपल है, HDFC के कार्ड पे 1000 का क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट मोबाइल है मोटो G9 स्टार्टिंग होगा 9,999, आपको सिंपली 1000 का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो। नेक्स्ट मोबाइल है ROG 3, ये मोबाइल आपको 43,999 में देखने को मिलेगा, और अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं तो आपको 1000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा।
सो नेक्स्ट मोबाइल जो है एलजी का डुअल स्क्रीन है, एलजी G8X है, सिंपली 25,999 का रहेगा और अगर आप इसमें क्रेडिट कार्ड लगा देते हैं तो 1,000 और ऑफ मिल जाएगा, जो कि मैं बहुत अच्छी डील नहीं मानता हूं इस फोन के लिए। आईक्यू की बात करें, आईक्यू आपको 34,990 का मिलेगा, वही सिंपल HDFC के कार्ड लगाने पे 1,000 ऑफ, वो भी क्रेडिट। नेक्स्ट मोबाइल जो है वो सैमसंग का नोट 10 प्लस है, जो कि आपको 54,990 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है वीवो का V20 प्रो है, कोई ज्यादा प्राइस डिस्काउंट नहीं है, 29,990 है और अगर आप एक्सचेंज में डालते हो अपना कोई भी मोबाइल तो 2,000 ज्यादा मिलेगा उस एक्सचेंज वैल्यू का, जो कि आप पे ऊपर है, वैसे प्राइस का कोई रिडक्शन इसमें नहीं है। नेक्स्ट मोबाइल अगेन एलजी का ड्यूअल स्क्रीन वेलवेट है, जो कि आपको अगेन 39,990 का मिलेगा, अगर आप प्रीपेड ट्रांजेक्शन मतलब कि फुल पेमेंट करते हो तो EMI पे लोगे तो वो भी आपको ऑफ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मोबाइल एलजी का अगेन एक डुअल स्क्रीन है, वो है एलजी का विंग 128GB वाला, आपको 64,990 में मिलेगा और कुछ मुझे नहीं बोलना, ये बहुत अच्छी तो ऑफर नहीं है, बट डिपेंड्स आपके चॉइस पे। नेक्स्ट मोबाइल है वीवो का X50, ये मोबाइल 34,990 का मिलेगा, अगर आप वीवो X50 प्रो की बात करो तो 49,990 मिलेगा, सिंपल है ये प्राइस, तभी मिलेगा जब आप फुल पेमेंट करेंगे EMI ट्रांजेक्शन के लिए, आपको ये प्राइस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट मोबाइल के बारे में मैं बता देता हूं, ये सैमसंग का A21s है, इसकी स्टार्टिंग प्राइस 14,999 रहने वाली है, तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल है सैमसंग का A31, इसकी प्राइस आपको 17,999 का मिलेगा, सिंपल है, अगर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो 1,000 आपको कम इस पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सैमसंग का A51, जो कि आपको 20,990 का मिल जाएगा, तो सिंपल है, अगर आप ये मोबाइल लेना चाहते हैं तो एक बार आप M51 को भी कंसीडर कर लीजिएगा। नेक्स्ट मोबाइल है वो सैमसंग का A71 है, इसकी प्राइसिंग आपको 27,499 से स्टार्टिंग होगी, तो अगर आप लेना चाहें तो ये भी एक बुरा मोबाइल नहीं है, लेकिन हाँ आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट मोबाइल पढ़ते हैं पोको का C3, ये आपको 6,990 में देखने को मिलेगा और इसका 4GB वाला वेरिएंट रैम की बात कर रहा हूं, आपको 7,990 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मोबाइल है मोटोरोला का वन फ्यूजन प्लस, ये आपको 15,999 में मिलेगा और अगर वही क्रेडिट कार्ड का ऑफर लगाते हैं तो 1,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो माय फ्रेंड, अगर मेरी बातें आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगी हो तो मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसा आप हमेशा करते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिए। अपना ख्याल रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।